हेलो एवरीवन, वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finowings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में, यानी हिंदी वाले यूज़र और इंग्लिश वाले यूज़र दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी IPO की न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो, आपके सामने है। तो आप यहां पर आएं, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें, आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके, बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बेहतर बनाने में। जहां पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, अगर हम कहें कि फ्यूचर की थीम क्या है जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो कोई कह सकता है AI, कोई कह सकता है EV, और कोई कह सकता है रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कौन सा लगता है तीनों में सबसे ज़्यादा वाला, कमेंट में बताइएगा। मैं भी यहाँ पर उस थीम के बारे में बात करने वाला हूँ जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वहाँ पर G20 समिट में भी उसके बारे में कुछ टारगेट तय किए गए हैं, लोकेशन तय किए गए हैं, जिसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ आती है, जो मार्केट में लोग होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक जो स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ पर थोड़ा रिस्क हो जाता है, और दूसरे वो लोग जो म्यूचुअल फंड में कर देते हैं। ऐसी ही चीज़ों का ऑप्शन म्यूचुअल फंड भी है, तो वो वहाँ पर कर देते, तो वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, तो थोड़ा सा सेफ साइड आ जाते हैं। तो आज हम उसी बेहतरीन थीम के लिए म्यूचुअल फंड लेकर आ गए कि किसी को कोई ये दिक्कत ना रहे कि सर हम कैसे करें, तो हम कैसे रह गए। तो यहाँ पर एक ऐसी लर्निंग बनाया हूँ कि आपको थॉट प्रोसेस में मज़ा आएगा, बट कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट एक प्योर लर्निंग है जहाँ पर हम कैसे सोचते हैं, कोई भी इन्वेस्टर कैसे सोचता है। जब भी कोई बात मार्केट में आती है, उसका नज़रिया आता है, उसका कॉन्सेप्ट आता है, तो फिर किस तरीके से सोचा जाता है, उसको हम समझाने की कोशिश करने वाले हैं आज की वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जहां पर आप सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इन्वेस्ट करने के लिए अगर सही तरीके से किया जाए और लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाए। लॉन्ग टर्म बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि एटलीस्ट अगर रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे यहां हो रही है ना, उसका रियल गेम देखना है तो कम से कम 7 से 10 साल देना पड़ेगा, तब आपको रियल मज़ा मिलने वाला है। तो अगर हम ऐसे स्टॉक की बात करें तो वहाँ पर टाटा पावर आ जाता है, SGVN आ जाता है, अदानी ग्रीन आ जाता है, NTPC आ जाता है, रिलायंस भी आ रहा है, कई सारी चीज़ें। बट आज हम MF के थ्रू बात करने वाले हैं, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी में MF के थ्रू। तो कौन सा MF सही रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम देंगे। तो यहाँ हम 4 वैसे MF यानी म्यूचुअल फंड जिनके पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक की अच्छी होल्डिंग है, ऐसे MF के बारे में बात करेंगे। इन्हें थीमेटिक म्यूचुअल फंड कहा जाता है, मतलब ऐसे MF जिनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जो या तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन स्टॉक के फंडामेंटल पे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि MF कंपनियां ऑलरेडी इनके फंडामेंटल को देखकर इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी आपके लिए एक साइड सेफ हो गया। तो उम्मीद है कि आप एक सेफ साइड जहां पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे म्यूचुअल फंड मैनेजर सारी स्टडी के बाद उस म्यूचुअल फंड को क्रिएट कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट है ना? तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। अब यहाँ पर पहला जो MF है वो है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, सेक्टोरल फंड। ये MF वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में है। करेंटली इनका AUM जो है 2544.80 करोड़ का है, और इनका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। यहाँ दो टर्म समझने की ज़रूरत है, जैसे AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना फंड म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेज कर रही है उसी को AUM कहते हैं। इसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स एक स्पेसिफिक कंपेरेबल पैरामीटर होता है जिसके अगेंस्ट में MF का परफॉर्मेंस मेजर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI एनुअली 10% रिटर्न दिया है, आपका MF 12% रिटर्न दिया है, तो इस केस में यहाँ MF का परफॉर्मेंस बताया जाएगा कि आपको MF आपके बेंचमार्क से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, मतलब MF का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है बेंचमार्क इंडेक्स से। तो ये जो निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का 95.17% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी में है,
यानी स्टॉक मार्केट में मोटा मोटा इन्वेस्ट कर दिया, 46.54% इन्होंने लार्ज कैप के शेयर में डाल दिया, 17.97% मिड कैप के शेयर में डाल दिया, 15.18% स्मॉल कैप में डाल दिया। अब रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक में एलोकेशन देखें तो टॉप थ्री कंपनी यहाँ पर है, NTPC इसमें टोटल AUM का 7% एलोकेशन है, रिलायंस इंडस्ट्री में 6.46% का एलोकेशन है और स्टर्लिंग एंड विल्सन में 3.79% का एलोकेशन है। ओवरऑल इस MF का रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक में टोटल एक्सपोजर है 19.63 ऑफ टोटल AUM, मतलब जितना भी फंड ये MF मैनेज कर रहा है उसमें 19.63 रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टेड हो गया। तो यहाँ तक हम इसके लोकेशन को समझ चुके हैं, अब देखते हैं ये फंड कैसे इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है। जिनका भी व्यू रिन्यूएबल एनर्जी पे बुलिस है उनके लिए MF सही हो सकता है, बट अगेन क्योंकि ये थीम इन्वेस्टमेंट है और स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे फोकस करता है तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होगा, इसलिए आपको अपने गोल ऑब्जेक्टिव के अनुसार खुद का इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड हुआ क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, थेमेटिक फंड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि MF इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, करंटली AUM 930.50 करोड़ का। 2018 में ये फंड शुरू हुआ, इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। 80.23% फंड इन्होंने इंडियन इक्विटी में लगाया हुआ है, जिसमें से 35.51% लार्ज कैप हो गया, 8.28% मिड कैप हो गया, 21.09% स्मॉल कैप हो गया, स्मॉल कैप में ज़्यादा है। इक्विटी के अलावा 6.97% डेट इंस्ट्रूमेंट में भी है। डेट इंस्ट्रूमेंट में ये MF गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी में अगेन टॉप थ्री है रिलायंस, जहां पे एलोकेशन 10.06% का है, NTPC में 8.24% का है और गेल में 1.44% का एलोकेशन है। ठीक है, ये MF वैसे इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है जिनका इन्वेस्टमेंट टेन्योर लॉन्ग टर्म का होगा और वो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफर्टेबल होंगे क्योंकि यहां पर ज़्यादा है। तीसरा MF है क्वांट ESG इक्विटी फंड, थेमेटिक फंड। 2020 में लॉन्च हुआ ये MF वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंस पैरामीटर पे सही होते हैं। ESG एक मैट्रिक्स है कंपनी को एनालिसिस करने का, फिलहाल इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर इतना समझ लीजिए कि ESG में कंपनी का 3 पैरामीटर पे चेक किया जाता है, जैसे इन्वायरमेंटल पैरामीटर, मतलब कंपनी कुछ ऐसा तो नहीं कर रही है जिससे इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है। इसके बाद आता है सोशल पैरामीटर, इसमें एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी के वर्क से सोसाइटी को क्या बेनिफिट या नुकसान हो रहा है। इसके बाद आता है गवर्नमेंस का, इसमें कंपनी का गवर्नमेंस कैपेबिलिटी चेक किया जाता है। तो क्वांट ESG इक्विटी फंड का जो AUM है वो है 191.73 करोड़ का, इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 100 ESG TRI। इस फंड का 65.71% स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, जिसमें 22.97% लार्ज कैप, 16.61% मिड कैप, 6.38% स्मॉल कैप और डेट में 8.23 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला। अब इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप थ्री में देखें तो रिलायंस में 8.99% का फंड है, NTPC में 3.15% का फंड है, गेल में 1.48% का फंड एलोकेट है, ओवरऑल 13.62% एलोकेशन पावर स्टॉक में। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए सही हो सकते हैं जो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जिन्हें इक्विटी का हाई वोलेटाइल के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट भी पसंद आता है। इसके बाद आता है फोर्थ DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड, 2012 में शुरू हुआ था। EMF वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू एनर्जी बिजनेस में काम करता है। इनका टोटल AUM 717.52 करोड़ का है। इनका बेंचमार्क है S&P BSE ऑयल एंड गैस इंडेक्स एंड S&P BSE मेटल इंडेक्स। इस फंड का 72.01% फंड इंडियन स्टॉक मार्केट में है, 38.74% लार्ज कैप, 19% मिड कैप, 2.49% स्मॉल कैप में। दो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने पैसा डाला हुआ है, रिलायंस में 6.27%, गेल में 4.89% पैसा डाला हुआ है। तो ये MF भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही है, खासकर उनके लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी थीम के लिए बुलिश व्यू रखते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि चार म्यूचुअल फंड हैं जिसके थ्रू चार रीज़न, चार एलोकेशन जहां पर एनर्जी थीम आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर एक टाइम है क्विज़ का, इस क्विज़ का सही जवाब देंगे राइट, आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्टॉक मैक्सिमम फंड में था, मतलब जितना भी फंड आपको बताया उसमें कौन सा स्टॉक था जो सब में कॉमन था, ये कमेंट में बताइए। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि अगर आपका दिल करता है कि मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है बट अब आपको डर लगता है, तो वहाँ पर ऐसे थीम बेस में लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और वहाँ पर लगाते हैं। अब देखो चार चीज़ था, अब चार चीज़ में आपने क्या सबसे बड़ी लर्निंग देखी,
हर इंसान के लिए अलग अलग, इसीलिए कहा जाता है कभी किसी के कहे सुने में इन्वेस्ट मत करिए। अब आपको पता चला किसका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है, किसका एलोकेशन किस तरीके से, तो आप अपने हिसाब से खुद से जब डिसीजन लेंगे तब एक सही पोर्टफोलियो बनेगा और तब आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ बोलते हैं तो सुनने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं, किसी का 10,000 का इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है, किसी का 100 करोड़ का है, किसी का 10 करोड़ का, किसी का 1 लाख का, किसी का 10 लाख का, तो हमारी बोलने वाली बात सबके लिए कभी भी एक जैसी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए कभी भी एज अ लर्निंग कहा जाता है, और कोई भी इंसान नहीं कहता है कि आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद का बॉस बनना पड़ेगा। बट यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हम एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क पे बात करते हैं और वहाँ पर जब सब लोग एक उसी बात को पकड़ कर जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है गलत। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते, हम आपको दोस्ती कराते हैं, पहचान कराते हैं, चीज़ों को बताते हैं जिससे आप समझ पाएँ। और यही फ़र्क अगर आप समझ लेंगे तो पैसा कमाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।